खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने 121 मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की है क्योंकि जल्द ही मंडल स्तर पर सत्याग्रह सम्मेलन होने वाले हैं जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है और मंडल स्तर पर भी मजबूती अगर मिलेगी, मंडल स्तर पर भी अगर एक स्ट्रांग एक्टिविटी चलती रहेगी तो फिर ये सत्याग्रह यकीनन आने वाले दिनों में सफल साबित होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और सत्याग्रह सम्मेलन से पहले मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने कुल 121 मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है और क्योंकि जल्द ही सत्याग्रह सम्मेलन कांग्रेस की ओर से पूरे देश भर में किए जाएंगे। राजस्थान में तो दोहरा मुकाबला क्योंकि राजस्थान में चुनाव इस साल अब से चंद महीनों का समय विधानसभा चुनावों का रह गया है और ऐसे में इन मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचाकर भुनाया जाए। सत्याग्रह सम्मेलन जब किए जाएंगे तो मंडल स्तर पर भी कार्य करने होंगे और मजबूती वहीं के लिए चाहिए होगी और लिहाजा अब 121 मंडल अध्यक्ष इससे घोषित किए गए हैं। कांग्रेस में 121 मंडल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और आपको ज्ञात होगा कि संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और संगठन से जुड़े हुए मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर भी जब जब सवाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से पूछे गए। चुनावी साल का उन्होंने जिक्र करते हुए यही कहा कि लगातार कांग्रेस कार्य इस पर कर रही है और दिशा निर्देशों के आधार पर ही इन नियुक्तियों को जनता के बीच में समय समय पर लाया जाता है, नाम चिन्हित किए जाते हैं, उनकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, पार्टी के लिए जो कार्य किए हैं उसके अनुरूप अब ये नाम इस लिस्ट के जरिए सामने आए। पूरी जानकारी के साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, सत्याग्रह सम्मेलन से पहले प्रदेश में मंडल स्तर पर मजबूती की कांग्रेस की गवाह शुरू हो गई है। 121 मंडल अध्यक्षों की घोषणा किस तरह से देखते हैं, कितना फर्क इससे पड़ेगा, क्या जानकारी और देंगे? प्रदेश भर में जिस तरह से आंदोलन कर रही है और हो चुका है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से ही जिला मंडल स्तर पर तमाम जगहों पर सत्याग्रह संकल्प के कार्यक्रम होंगे। 121 मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की राजस्थान इकाई ने घोषित कर दिए हैं और अब आने वाले समय में जो भी शेष बचे हैं उनकी घोषणा होगी और सबसे अहम यही है कि स्तर पर ये तमाम सत्याग्रह संकल्प के आयोजन किए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन होगा केंद्र की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो नीचे की इकाइयां अगर गठित नहीं होती प्रदर्शन कैसे होता जी? ऐसे में लगातार है जो मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान वो कांग्रेस कर रही है और एक और सूचना हमें मिल रही है कि जल्द ही पाकिस्तान जो के कांग्रेस अध्यक्ष काफी समय से लंबित है जी। उनका भी ऐलान जल्दी हो जाएगा। इच्छा में भी अब प्रगति है, जिलों को लेकर भी जल्दी घोषणा के आसार है क्योंकि संगठनात्मक नहीं होगी, संगठन से जुड़े तमाम जो कार्यक्रम है उनकी रचना वो पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में संगठनों की रूपरेखा अमल होनी जरूरी है और जिला अध्यक्ष अगर नहीं होगा तो कैसे वहाँ जिले में संगठन काम करेगा, संगठनात्मक गतिविधियाँ कैसे सुचारू रूप से चल पाएंगी जी। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जहाज भी मजबूत नहीं हो पाएंगे, पीसीसी संगठन भी साथ काम नहीं कर पाएगा। जिलों की घोषणा जल्द होने वाली है, दिशा में भी जो जानकारी मिल रही है कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की सूची भी आएगी। बिल्कुल योगेश जी, और धरातल से मजबूती प्रैक्टिकली यहां पर जरूरत भी समय की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ के मंगलवार